हाय गाइस, सो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस प्रकार से अपना कुछ नाम लिखना चाहते हैं और इस प्रकार के फॉन्ट्स का यूज चैटिंग में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे फॉन्ट्स यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर टाइप करना होगा। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे कि इंग्लिश है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन एक्टिव हो गया है। इसके बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आप किसी भी जगह पर चैटिंग या फिर किसी भी प्रोफाइल पर इस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप पर यूज करके दिखाता हूँ। ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। मैं एक नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको टाइपिंग मैसेज पर टाइप करना होगा। इसके बाद आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे भी आपको मैसेज करना होगा। सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पर ऊपर में शो होंगे, जैसा कि हमें ऐसे मैसेज करना है इस फॉन्ट्स में। सो मैं हाय भेजता हूँ। उसके बाद आपको बाकी सारे स्पेशल फॉन्ट्स भी दिखा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप लोग भी इस प्रकार से चैटिंग कर सकते हैं या फिर प्रोफाइल में इस प्रकार से नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो हमने अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने अपनी प्रोफाइल को ओपन किया और आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी आईडी पर कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, सिंपल से अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद लिखना होगा। मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो इस वजह से हम चेंज नहीं करना चाहते, तो वैसा ही रहने देंगे। और आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या लिखना है। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।